तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भाई सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पट का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। इससे प्रीवियस वीडियो हमने तो थ्योरी किया था, अब आज न्यूमेरिकल देने वाले। फादर नोट दैट हिज टीनेजर डॉटर यूज ए टेलीफोन, ठीक है। वो टेलीफोन यूज करती है। शी टॉक्स नो लेस देन 5 मिनट, 5 मिनट से कम वो बात नहीं करती है, फोन पकड़ लेती है फॉर ए कॉल, एंड सम टाइम एज मच एज 1 आवर, 1 आवर के आसपास, अन आवर, 1 आवर के आसपास तक बात भी कर सकती है बहुत, है ना। एंड 15 मिनट कॉल आर मोर फ्रिक्वेंट, यानी कि 15 मिनट कॉल तो क्या है, मोर फ्रिक्वेंटली उसके फोन से होते हैं देन कॉल ऑफ द एनी अदर ड्यूरेशन। इफ द डॉटर्स कॉल वेयर अन एक्टिविटी ऑफ पार्ट ए प्रोजेक्ट, अब ये पार्ट प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है तो क्या, वट वुड बी द फोन कॉल एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, तो टी आपको निकालें। एंड वट वट एस्टिमेट वुड यू गिव फॉर इट्स वेरियंस, यानी कि आपको वेरियंस निकालना है। इन शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट हाउ मच टाइम वुड यू अलोकेटेड फॉर द फोन कॉल्स। तो वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल से पहले, तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन रीड करना है सब लोगों को अच्छे से। तो वंस यू रीड द क्वेश्चन आपको मिलेगा कि टी नॉट कितना है, दैट इज मिनिमम कॉल वो कितनी कर रहे, 5 मिनट तो कर रहे मिनट में। उसके बाद मोस्ट फ्रीक्वेंटली बोलो तो टीपी पैसिमिस्टिक टाइम कितना आ रहा है, उसका पैसिमिस्टिक टाइम 1 आवर बोलो तो 60 मिनट आ रहा है, ये मिनट में लिख दिया मैंने, मिनट, ये इट इज इन मिनट। उसके बाद मोस्ट फ्रीक्वेंटली बोलो तो मोस्ट लाइकली टाइम उसका कितना आ रहा है, मोस्ट लाइकली टाइम, तो मोस्ट लाइकली टाइम उसका आ रहा है, मोस्ट लाइकली टाइम इट इज कमिंग टू बी हाउ मच, 15 मिनट्स। सो 15 मिनट्स आ रहा है उसका। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने को, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा भाई, डॉटर का एक्सपेक्टेड टाइम टीई फोन पे लगी हुई है लड़की, तो कैसे निकालेगा, पापा इंजीनियर उसके, तो देखो एक्सपेक्टेड टी नॉट प्लस 4 टाइम्स टी एम प्लस टी पी डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है। तो आज जस्ट पुट इन द फॉर्मूले यू विल गेट द टाइम। सो एक्सपेक्टेड टी नॉट कितना, 5 मिनट प्लस 4 इंटू क्या है, टी एम कितना है इसका, टी एम 60, टी एम 15 है, प्लस टी पी कितना आपका 60 डिवाइड बाई 6। तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, सो यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट, ओके फटक से सॉल्व करना है। 5 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 60 डिवाइड बाई 6, सो यू कैन चेक, सो इट इज कमिंग समवेयर 20.83 आ रहा है, कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 20.83, ठीक है। तो आपको क्या निकाला, 20.83 आ गया आपको। सो नेक्स्ट आपको क्या पूछा, पहले तो एक्सपेक्टेड यही पूछा था कि इफ यू चेक क्या पूछा था, वट वुड बी द फोन कॉल एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, सो इट इज 20.83 आपका क्या हो गया, फोन कॉल एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हो गया। अब उसके बाद आपका पूछा वेरियंस, सो नेक्स्ट दे आर सेइंग वेरियंस क्या होगा, सो वेरियंस नेक्स्ट सेकेंड पहला पॉइंट हो गया, इफ आई ट्राई टू राइट सेकेंड, सो वेरियंस 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 वी दैट इज सिग्मा स्क्वायर, सो फॉर्मूला क्या था वेरियंस का, दैट इज टी पी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई 6 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये फॉर्मूला था, तो टीपी कितना उसका, टीपी मैक्सिमम टाइम 60, मिनिमम टाइम कितना है 5 डिवाइड बाय 6 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, वी विल ट्राई टू सॉल्व, सो 60 माइनस 5 डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर, सो इट इज कमिंग टू बी यस 84 पॉइंट, विल चेक 84.02, इट इज कमिंग 84 पॉइंट समथिंग, 84.02, ओके। सो इफ यू वॉन्ट राइट, सो इट विल बी मिनट स्क्वायर, मिनट स्क्वायर, तो ये तो किस में आएगा, दिस टाइम विल बी इन मिनट ओनली, ठीक है, मिनट मिनट दो बार है तो मिनट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट आपको और क्या पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा, पीछे देखो कि इन शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट हाउ मच टाइम वुड यू अलोकेटेड फॉर द फोन कॉल, तो फोन कॉल के लिए कितना टाइम आप अलोकेट करोगे, ऑब्वियसली सी बात है यार, फोन कॉल के लिए अपना जो एक्सपेक्टेड टाइम आया है, दैट इज एक्सपेक्टेड टाइम 20.83, आप क्या करोगे अलोकेट करोगे। तो तीसरा का आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड का जो आंसर होगा, थर्ड का आंसर भी क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर, सो थर्ड का आंसर भी आप कर लोगे, दैट इज 20.83 मिनट, ठीक है। यानी कि आप प्रोजेक्ट में इतना ड्यूरेशन क्या करोगे, उसको एक्सपेक्टेड कर रहे या अलाउ कर रहे आप इतना, ठीक है, 20.83 मिनट्स, समझ गए, यस एवरीबडी गॉट इट, यस लेट मी नो, समझ आएगा आपको अच्छे से, ओके। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। सो अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम मस्त क्वेश्चन है,
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते, ठीक है। तो अब क्या डिटरमाइन द, यहां पे क्या करना है, एक प्रोजेक्ट दिया, डिटरमाइन दी, क्या निकालना आपको, फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन, डिटरमाइन दी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, पहला फर्स्ट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम निकालना है। सेकंड क्या निकालना है इस प्रोजेक्ट में, वेरियंस फॉर दी, वेरियंस फॉर दी फॉलोइंग प्रोजेक्ट, इसका वेरियंस निकालना है प्रोजेक्ट का। उसके बाद क्या करना है, क्रिटिकल पाथ मेथड आपको उसको डिटरमाइन करनी है, आपको क्या बताना है इसका, क्रिटिकल पाथ आपको बताना है। तो एक बार आप पहले इसको पूरा लिख लीजिए तभी आपको समझ आएगा, पहले एक यू कैन ड्रॉ दिस होल, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा दूर हो देता हूँ, तो आप इसको एक बार लिख लो, एक बार पूरा सा या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हो, ठीक है, होप आपने ले लिया होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, होप इतना आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। अब इसका सबसे पहले ना आपको नेटवर्क निकालना पड़ेगा, देखो प्रेडिसर्स क्या क्या, देखो देखो एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ जी एच है, और एक्टिविटी का प्रेडिसर दिया, प्रेडिसर ए और बी का कोई प्रेडिसर नहीं, मतलब ये दोनों स्टार्टिंग एक्टिविटी पैरेलल ही हो रही है। सी का प्रेडिसर ए है, डी का प्रेडिसर बी है, ई का प्रेडिसर ए है, एफ का प्रेडिसर सी डी है, और जी का प्रेडिसर क्या है, सी डी ई है, और एच का प्रेडिसर एफ है। मतलब सबसे पहले आपको नेटवर्क ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो अगर आप नेटवर्क ड्रॉ कर लो तो हो जाएगा। तो मोस्ट लाइक ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या दिया, डेज में दिया वन, एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग, एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग टाइम दिया हुआ है, पीएम मोस्ट लाइकली टाइम आपको इन डेज दिया हुआ है, और टीपी ऑफ पैसिमिस्टिक टाइम भी आपको दिया हुआ है हर एक्टिविटी का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले वी विल ट्राई टू सी कि हमें क्या क्या निकालना भाई, हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है, वेरियंस निकालना है, और एक्सपेक्टेड टाइम निकालना। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते, या आप चाहे तो नेटवर्क क्या कर सकते, यू कैन ड्रॉ दी नेटवर्क। सो अगर आप चाहें तो यू कैन ड्रॉ द नेटवर्क। सो नेटवर्क ड्रॉ करने से पहले पहले कैसे करना पड़ेगा, हाउ टू ड्रॉ नेटवर्क, सो दैट इज वेरी सिंपल वे। तो सबसे पहले एक्टिविटी ए और बी दोनों एकदम एक साथ चालू हो रही है, उनका ड्यूरेशन आप निकालेंगे बाद में, पहले अपन ए और बी एक साथ चालू हुई है, देखो ए और बी, ए और बी एक साथ चालू है, वन टू और ये थ्री। अब उसके बाद देखो अगला क्या है, अभी बी, बी के देखो सी जो एक्टिविटी ना, सी के पीछे ए है प्रीडिसर, और डी के पीछे बी है, ठीक है ना, ये सी के पीछे ए है, डी के पीछे बी है। तो यहां पे देखो इस, देखो सी के पीछे, ठीक है, सी के पीछे क्या आपके, देखो सी के पीछे, सी के पीछे देखो, नाउ आई थिंक वी शुड राइट हियर ए बी सी, ये सी नहीं लिखा मैंने, दिस इज सी, ठीक है, ए बी सी डी, देन देयर इज ई, ई इज रिमेन ई, एंड यस आई विल चेक, ओके जस्ट सेक, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रेडिसर्स, ओके ए बी सी डी ई, ई ओके जस्ट विल चेक, ओके ई, ओके यस, तो इट इज ई, ये वाली ई है आपकी एक्टिविटी, ओके, सो दिस वन इज योर सी, डोंट वरी, सिर्फ नाम नहीं लिखे, सी ये ई, ए बी सी डी ई, एफ जी एंड एच हो गए, यस। तो नेटवर्क बनाते टाइम भाई थोड़ा सही से देखना पड़ता है क्या क्या नहीं लिखा, ढंग से बनाना पड़ता है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है अच्छे से। तो ए और बी हो गया, सी हो गया, सी के पीछे ए है, तो देखो सी के पीछे ए है, सी के पीछे ए है, उसके बाद नेक्स्ट देखो डी के पीछे बी है, तो डी के पीछे देखो डी, डी के पीछे बी है, तो इतना सब बना दिया आपने। अब नेक्स्ट देखो ए बी सी डी ई, देखो अभी यहाँ पे इफ यू चेक ई, व्हाट यू कैन सी, जस्ट सेकंड, इफ यू चेक ई, ई आपको चेक करना, व्हाट इज ई, ई के पीछे ए है, तो ई मतलब ई वहां से स्टार्ट होगा ए से, तो स्टार्ट किया यहां से देखो ई स्टार्ट किया, वैसे नेक्स्ट देखो ई तक पहुंच गया, हम ई तक हो गए, एफ के पीछे जो एफ बना रहे हैं, एफ के पीछे दो एक्टिविटी सी एंड डी है, एफ के पीछे, सो दिस दिस एफ, एफ के पीछे दो एक्टिविटी है डी एंड सी है, तो इसको डमी एक्टिविटी मैंने कंसिडर किया, क्योंकि दो आ रही है एक साथ, इस पर दो आ रही है, यहाँ पे देखो ना सी एंड डी, तो इसके ऊपर दो एक्टिविटी एक साथ आ रही है, तो उसको डमी दिखा दिया, तो जो एफ है उसके पीछे सी एक्टिविटी भी है और डी एक्टिविटी भी है, इसलिए यहां से क्या कर दिया मैंने, डमी कनेक्ट कर दिया, डमी एक्चुअली ये दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे इसलिए, ठीक है, या आप ऐसे डमी ना लगाते हो भी, आप क्या कर सकते हैं, सीधे इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, नो इश्यू, अभी भी चलेगा, अगर आपने ऐसे डमी नहीं भी लगाया तो क्या होगा, दो से लेके सीधा इसको कनेक्ट कर दो पांच को, अब भी चलेगा, दो दो से लेके सीधा चार पांच को कनेक्ट कर दो, ठीक है, तब भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं, नॉट ए बिग डील, ठीक है। वैसे भी जो डमी एक्टिविटी है जस्ट हम क्या लगाते हैं उसको, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए लगाते हैं, ठीक है, ये दोनों हो गया। उसके बाद अपना क्या हो गया भाई, एफ के पीछे दो एक्टिविटी, अब एफ के बाद क्या है भाई, एच वाला देख लो, एच एच एच, एच के पीछे सिर्फ एफ है, तो एच के पीछे सिर्फ एफ है, एफ बना दिया और एच बना दिया, अब जी रह गया है, तो देन जी इज देयर जी, जी के पीछे सी डी और ई है, जी के पीछे, जी के पीछे देखो यहां से तो डी आ गया है, डी आ गया यहां से, देखो ये वाला सी, दिस इज हाउ यू कैन सी न सी, आराम से देखो, यानी कि क्या हो रहा है, जी के पीछे कितनी कितनी है, जी के पीछे ई है,
और जी के पीछे डी है, दो ही है जी के पीछे। एक बार अपन इसमें भी देख लेते इन द क्वेश्चन क्या दिया, जी के पीछे सी है, सी भी है जी के पीछे सी, तो सी भी तो है, इससे दिखा दिया ना कि सी भी इसके पीछे डमी एक्टिविटी लगा दिया मैंने। ओके तो होप इट इज क्लियर। कैसे देखो एक बार और देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, पीछे पीछे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जी सी डी और ई है, जी के पीछे ई भी है सी भी है और डी भी है, जी के पीछे ई भी है सी भी है, सी भी तो है और फिर उसके बाद क्या तो आपका डी भी है। ठीक है होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे डमी एक्टिविटी हमने बनाई, आप चाहे तो दूसरा नेटवर्क भी बन सकता है, मैंने ट्राई करके ऐसा बनाया, यू कैन से कि आप दूसरे भी बना सकते हो, कुछ और भी आप बना सकते हो इससे। ठीक है गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ग्रामेटिकली इट शुड बी एक्यूरेटली करेक्ट। ठीक है होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना है हर एक्टिविटी का। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। ठीक है सो हर एक का हमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना होगा, लेकिन फॉर्मूला कौन कौन सा रहेगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन का, तो टी का फॉर्मूला रहेगा टी टी नॉट प्लस फोर टाइम टी एम प्लस टी पी डिवाइड बाई सिक्स, दैट इज द फॉर्मूला फॉर ईच एक्टिविटी के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो वेरियंस सिग्मा निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन टीपी माइनस टी नॉट बाई सिक्स कर देंगे, दिस इज सिक्स, ये क्या आपका सिक्स है, सिग्मा नहीं है सिक्स, टीपी माइनस टी नॉट बाई सिक्स कर देंगे। उसके बाद वेरियंस निकालने के लिए सिग्मा का स्क्वायर, तो टीपी माइनस टी नॉट बाई सिक्स का होल स्क्वायर आप करेंगे। तो मैं एक का आपको निकाल के देता हूं, जस्ट एक या दो एक्टिविटी का मैं निकाल के देता हूं, देन यू कैन कॉपी इट। ओके ना अब समझो यहां पे देखो, फर्स्ट एक्टिविटी ए है, इसका टी नॉट, देखो फर्स्ट एक्टिविटी ए है उसका टाइमिंग क्या है, देखो फॉर्मूला क्या लगाना है, टी नॉट कितना उसका, टी नॉट वन प्लस फोर टाइम इंस्टू टी एम, टी एम क्या है फोर प्लस टी पी क्या है सेवन डिवाइड बाय क्या करना है सिक्स, तो यू विल गेट फोर, आपको फोर आ गया, टी ई निकाल दिया। टी का फॉर्मूला आपको पता था क्या था, टी का फॉर्मूला यहां पे लिखते थे टी पी टी नॉट प्लस फोर टाइम्स टी एम प्लस टी पी डिवाइड बाय क्या था सिक्स था, ये फॉर्मूला का स्पाई। सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला था टी पी माइनस टी नॉट बाय सिक्स, तो देखो टी पी माइनस टी नॉट बाय सिक्स सेवन माइनस वन सिक्स, सिक्स डिवाइड बाय सिक्स क्या आ गया वन आ गया, समझ गए वन का स्क्वायर क्या होगा वन ही होगा। ठीक है सो अब ये क्रिटिकल है क्या नहीं ये बाद में रिमार्क में नेटवर्क बनाने के बाद बताऊंगा। सिमिलरली इसके लिए बी के लिए भी आप कर सकते हो, बी का कैसे वन प्लस फोर टाइम्स फाइव प्लस नाइन डिवाइड बाय क्या करेंगे आप सिक्स, तो इट इज कमिंग फाइव। तो अब फाइव आ गया, अब क्या करना है वन माइनस टी पी नाइन माइनस वन ओके डिवाइड बाय सिक्स, सो इफ यू डू दिस सो इट इज कमिंग अराउंड कितना रहे, इट इज कमिंग सिक्स, सो दिस इज कमिंग 1.33 सही है, और इसका स्क्वायर क्या 1.33 का स्क्वायर करोगे कितना रहे, सो इट इज कमिंग 1.78 ठीक है इतना आ गया, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब कैसे मैंने यहां पे एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हर एक्टिविटी का निकाला, एक्टिविटी ए का एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या है फोर, बी का क्या है फाइव, तो यहां पे लिख देते एक्टिविटी का ड्यूरेशन हम यहां पे लिखेंगे नेटवर्क में, सो फर्स्ट वी विल राइट इन अ नेटवर्क, एक्टिविटी ए का जो ड्यूरेशन आया है वो क्या है, जस्ट यू कैन राइट वी हैव कैलकुलेट हियर, सो इट इज कमिंग टू बी फोर तो दिस इज फाइव फोर फाइव और सी का आ रहा था आपका सिक्स, फोर फाइव सिक्स ड्यूरेशन निकाला, नेक्स्ट फोर फाइव सिक्स एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हो गया फोर फाइव सिक्स, उसके बाद डी का क्या है दो तीन, डी ई और एफ का दो तीन चार ए बी सी डी ई दो तीन तीन ए बी सी डी ई और एफ, एफ का कितना चार, ठीक है ड्यूरेशन हमने मार्क किए यहाँ पे, यू कैन चेक अगेन ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, देखो क्या क्या ई का ड्यूरेशन कितना है, ई का ड्यूरेशन थ्री है, एफ का ड्यूरेशन फोर है, डी का ड्यूरेशन टू है, उसके बाद एफ तक हो गया फोर और जी और एच एट और सिक्स, जी का एट और सिक्स वी विल चेक, एच का सिक्स है ना, एच का सिक्स है इसका एट है, सो होप इट इज क्लियर, हमने ड्यूरेशन भी मार्क कर दिए, तो आपको समझ गया रहेगा कि ड्यूरेशन कैसे मार्क करते हैं, यहाँ पे डन वी डिड द ड्यूरेशन भी मार्क कर दिए। ठीक है अब यहाँ पे देखो, अब इसी फिगर के ऊपर आपको आने
और हर एक्टिविटी के मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, यहाँ पे एक बॉक्स जैसे बनाना है, यानी कि यहाँ पे तीन एक्टिविटी था, तीन एक्टिविटी से हमने इसको क्या कर दिया, एक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह पे क्या करना है आपको, एक ऐसे बॉक्स बना के लेना है, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स बनाना है, सिंपल सिंपल बॉक्स बना के लेना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका ये सिंपल सिंपल बॉक्स बना के ले लो, यहाँ पे सिंपल सिंपल बॉक्स बना के ले सकते हैं आप, नेटवर्क के बाहर ही लिया तो बेटर है, नेटवर्क के बाहर एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एक बॉक्स आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक बॉक्स इसका सबके जगह बॉक्स हो गए, इवन यहाँ पे भी एक बॉक्स चलो, ये नेटवर्क के अंदर ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एक और बॉक्स यहाँ पे, ठीक है। अब वन बाय वन देखो यहाँ पे, अब हमें क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। पहले हम सबसे पहले क्रिटिकल पाथ निकालेंगे, व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या होता है ड्यूरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ, जिसके ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला पाथ जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ठीक है, नेक्स्ट इज ओके देखो, अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा ड्यूरेशन जिस पाथ के अलॉन्ग हुआ दैट इज क्रिटिकल पाथ, तो हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है, वी हैव टू चेक इट कि कौन सा क्रिटिकल का पाथ होगा, तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किसके अलॉन्ग आते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो फोर, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, ये फोर है, ये फाइव है, फाइव और टू ये छोटे हो गए, तो चलो मैं इस पे देख लेता हूँ कि ये है क्या, तो फोर, फिर उसके बाद सिक्स, चलो भाई ये तीन था तो ये सिक्स, ये वाला बड़ा वाला है सिक्स, फोर सिक्स, ये तो डमी है तो डमी से जाना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे क्या डमी से जाना पड़ेगा, इस पे तो कोई ड्यूरेशन नहीं है, फोर सिक्स टेन हो गया, टेन एंड देन आई विल गो लाइक दिस, ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना हो गया, फोर सिक्स टेन, फोर फोर्टीन, फोर्टीन और प्लस, फोर्टीन प्लस, ये ट्रायल ले रहा हूं मैं, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, याद रखना, टेन और प्लस टेन फोर्टीन और सिक्स ट्वेंटी, तो दिस पाथ इज ट्वेंटी, अलोंग दिस पाथ जो मैंने मार्क किया डबल लाइन से, इस पाथ के अलोंग क्या आ रहा है, ट्वेंटी आ रहा है, 20 मतलब ये क्रिटिकल पाथ हो रहा है, लेकिन अगर ये दूसरा हो सकता है, चार और तीन सात, सात और आठ, सात प्लस आठ पंद्रह हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, ये वाला तो नहीं है, क्या ये वाला हो सकता है, ये वाला पाथ, चलो चलो पांच प्लस दो, पांच प्लस दो प्लस आठ, तो भाई ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सारे पाथ मैंने ट्राई कर लिया, तो लॉन्गेस्ट पाथ जो आ रहा है, सो दिस इज योर लॉन्गेस्ट पाथ, दिस इज योर व्हाट लॉन्गेस्ट पाथ, सो आपका लॉन्गेस्ट पाथ आपको पता चल गया, So, जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वही क्या होता है आपका क्रिटिकल पाथ होता है, लेकिन क्रिटिकल पाथ अगर हम देखो पार्ट के टाइम में हम क्रिटिकल पाथ कैसे डिसाइड करते हैं कि स्लैक जीरो आना चाहिए, स्लैक शुड बी जीरो, अलोंग दैट पाथ स्लैक मस्ट बी जीरो, इफ द स्लैक इज जीरो देन आप क्या बोल सकते हैं कि भाई क्या है कि स्लैक जीरो है तो आपका वो क्रिटिकल पाथ है। तो अब मान लो यहाँ पे कितना रहा? मेरा 20 आ रहा है, तो दोनों हमने पढ़ा गया एंड वाले दोनों 20-20 होते हैं, है ना 20। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँ, क्रिटिकल पाथ के अलोंग में सबसे पहले वाले जो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई तो जीरो होगी, अब इसमें ड्यूरेशन ऐड करूंगा मैं, चार हो जाएगा, चार कैसे, जीरो प्लस चार, चार, ठीक है, इसमें से अगर यहाँ पे जाऊंगा मैं चार छह दस, ये दस हो जाएगा, और दस में प्लस में कुछ नहीं तो ये भी दस ही रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखो पांच और दो, पांच और दो सात, फॉरवर्ड में मैक्सिमम लेते हैं, पांच और दो तो दस ही, ये दस ही होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, दस और चार चौदह, ये चौदह हो जाएगा, ये बीस हो गया, ठीक है। तो इसका भी आप कर सकते हो, ये तो पांच ही आने वाला है, एक ही पाथ है यहाँ पे, जीरो प्लस फाइव क्या, तो फाइव ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो होप हर एक का तो हमने निकाल दिया, इसका भी निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा, चार और तीन सात, सात, और यहाँ पे है क्या, इस वाले पाथ में हम मैक्सिमम लेते हैं, तो क्या रहे, छ छ छ कर छ, छ है यहाँ तक, इधर क्या करो, चार छ, यस दस थे तो यहाँ पे तो दस था, दस नहीं है यहाँ पे, तो इस वाले पाथ से अपन जाएंगे तो यहाँ पे कितना, इस वाले पाथ से देखो चार तीन सात हो रहा है इस पे, लेकिन यहाँ पे दस आएगा, तो दिस विल बी अगेन टेन, क्योंकि यहाँ पे इधर दस है तो इधर भी जाएगा ना, ऐसे तो दस ही रहेगा, ठीक है, होप इट इज क्लियर। अब बैकवर्ड पाथ अपने को करना है, वापस रिवर्स मारना, बीस में से आठ गया, तो यहाँ पे इस पे आने के लिए सिर्फ क्या है, एक ही पाथ है, ये वाला ही पाथ है बस, ये वाला पाथ क्या है यहाँ से, ऐसे तो हम लोग यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। पहले ये पाथ का निकाल लो फर्स्ट, तो ये 14 ही रहेगा, कैसे गया, 20 में से 6 गया 14, फिर 14 में से फिर से 4 गया तो 10, फिर हो गया यहाँ पे, फिर अभी 10, 10 में से तो 10 ही रहेगा, कुछ क्रिटिकल एक्टिविटी है, डमी एक्टिविटी है, फिर 10 में से 10 में से ये 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, अभी इस 4 में से 4 गया तो क्या रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये पांच हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, इस वाले एक्टिविटी में देखो, दस में से दो गया तो दस में से दो को डालो, दस में से दो डालो तो आठ आ जाएगा, ठीक है, आठ आ जाएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इस वाले सबका भरना है अपने को, ये हो गया, ये वाला भर गया। अब ये वाला क्या होगा,
इस पे जाने के कितने तरीके, देखो यहाँ पे जा सकते, ऐसे तो नहीं जा सकते, अपन क्या कर रहे ऐसे लपा दो, तो इसका आने के लिए क्या है, देखो ऐसे जाके ऐसे ऐसे, तो अभी यहाँ पे देखो बात, 20 में से मैंने अगर 8 किया, 20 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो ये कितना था, 12 आता, इट इज 12, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, ये वाला पाथ देखो ऐसा आगे है ये पाथ, ठीक है, अगर इस पाथ से मैं करता हूँ 10, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता 10, इसके अलॉन्ग तो 0 ही है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसके इसके इसमें देखो ना यहाँ पे 10 आया था, ठीक है, तो यहाँ से इस इधर ये आगे वाला पाथ है ना आगे, लेकिन अपन क्या आ रहे हैं, यस वी आर कमिंग बैक, ये बैक है, ये तो आगे जाने का पाथ है इसका, आगे बैक आने के लिए ऐसा, ये आगे जाने का पाथ है, तो बैक इसके 12 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्लैक निकालना, स्लैक एस स्लैक निकाल, दोनों का डिफरेंस 0, हर एक्टिविटी का यहाँ पे डिफरेंस स्लैक क्या होगा, यहाँ पे 0, दोनों का माइनस 20 माइनस 20 14 स्लैक 0, यहाँ पे स्लैक क्या आएगा फिर से 0, इस एक्टिविटी का स्लैक 0, यहाँ पे स्लैक क्या आएगा, व्हाट इज द स्लैक, यहाँ पे देखो 12 2 आ जाएगा यहाँ पे स्लैक, यहाँ पे स्लैक क्या आएगा आपका 0, दोनों का डिफरेंस क्या 0 स्लैक, यहाँ पे स्लैक क्या आएगा आपका 0 स्लैक 0, इस वाले केस में तो स्लैक यहाँ पे भी क्या है 0 माइनस 0 0 या स्लैक यहाँ पे 0, इस वाले केस में स्लैक 0, यहाँ पे स्लैक कितना आएगा, स्लैक विल बी 3, ठीक है ना, स्लैक यहाँ पे पट में आपको क्या करते हैं, स्लैक निकालते, स्लैक निकालते और सॉरी पट में, यस पट में स्लैक निकालते और सीपीएम में हम क्या निकालते, फ्लोट निकालते। तो अब देखो इस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है ना आपकी 1 to 2, इफ यू चेक 1 to 2 तो स्लैक 0 इसके ऊपर, फिर 2 से 4 तो यहाँ पे स्लैक क्या इसके ऊपर 0 है, फिर अगेन आप इसके ऊपर स्लैक 0 ही है, फिर अगर यहाँ पे 5 to 6 करोगे स्लैक 0 है, उसके बाद 5 to 6 स्लैक 0 है, और उसके बाद 6 to 7 करो तो स्लैक 0 है, मींस स्लैक 0 मींस स्लैक इक्वल टू 0 मींस क्या, मींस क्या, क्रिटिकल एक्टिविटी, कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी, तो ये अपनी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, और आपको ये पता भी चल गया भाई क्रिटिकल एक्टिविटी लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला जो पाथ होगा वो क्या करेगा आपका क्रिटिकल एक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा, इट विल शो द क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, जस्ट चेक इट, क्या पूछा था भाई, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन टाइम निकाल, वेरियंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, वेरियंस निकालेंगे और क्रिटिकल पाथ तो बता दिया हमने, तो अब नेक्स्ट देखो यार आगे बढ़ते हैं, ये सब निकाल दिया मैंने, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किया हमने, हर एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम निकाला, फिर क्या निकाला अपन ने यहाँ पे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, फिर वेरियंस कैसे निकालते, पीपी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमने लिखा है। अब ये एक्टिविटी पे स्लैक 0 था, इसलिए इसको क्या बोल, क्रिटिकल बोल दिया, इस वाले पाथ पे क्या था, सी पे क्रिटिकल एक्टिविटी बोल दिया, क्योंकि लॉन्गेस्ट एक्टिविटी है और ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी की लॉन्गेस्ट एक्टिविटी में आ रहा है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में, और लास्ट वाले भी क्या हो गया आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें रिमार्क में क्रिटिकल क्रिटिकल लिख दिया, ठीक है, वेरियंस आपका आ गया, वेरियंस वेरियंस वेरियंस, ठीक है। अब क्रिटिकल एक्टिविटी के अलॉन्ग हमें क्या करना पड़ेगा, वेरियंस निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालना पड़ेगा, ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट वेरियंस, कितना आ रहा है क्रिटिकल एक्टिविटी, जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उसको मैं गोला कर देता हूँ, उसका अपन क्या करेंगे, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल सकते हो, यू कैन सी द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या आएगा इसका, 1 क्रिटिकल को देखो ऐड करो 1 प्लस इसका देखो क्रिटिकल का 1 प्लस क्रिटिकल का जो है सिर्फ वो ऐड करेंगे 0.67 प्लस जो क्रिटिकल है बस प्लस 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 क्रिटिकल क्रिटिकल 0.67 एंड प्लस 0 तो कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग 2.67। तो अगर आप लिखेंगे अगला, सो स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग, स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग, यस रुक जाओ 5 मिनट, स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग अलोंग क्रिटिकल पाथ, स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा बोलो, सो दिस विल बी 2.67, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग क्रिटिकल पाथ इतना हो गया। तो नेक्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट, अभी क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग क्रिटिकल पाथ निकाल दिया, अभी मेरे को क्या वेरियंस, वेरियंस निकालना है, वेरियंस अलोंग, वेरियंस अलोंग निकालना मुझे क्या, अलोंग क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ में निकालना, तो वेरियंस निकाल लेंगे ये डेज में, इट इज इन डेज, इसको भी ऐड कर देंगे अपन, यहाँ पे ऐड करो सिर्फ क्या होगा जो क्रिटिकल वाला 1.1 प्लस 1 ये दोनों 1.1 प्लस 0.44 क्रिटिकल का एंड प्लस 0 दिस इज कमिंग 2.44 सो इट इज कमिंग दैट इज 2.44 डेज मारे, ठीक है, क्रिटिकल के अलोंग आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट अलोंग द क्रिटिकल्स, ठीक है, तो ये डेज इट विल बी डेज, ओके डेज, ओके होप इट इज, ये डेज स्क्वायर आएगा, ये डेज मारेगा, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या है इसका
ठीक है, यस ये डेज और ये डेज स्क्वायर में। होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रहेगा कैसे हमने किया, ठीक है। सो अगर यूनिट लिखकर आपको सिर्फ 2.44 भी लिख दिया या 2.67 लिख दिया तो होप आपको समझ आ रहेगा। तो सिंपल न्यूमेरिकल था, बहुत ईजी था, सिर्फ फॉर्मुले के ऊपर बेस्ड था। वंस यू नो द नेटवर्क कैसे बनाना है उसके बाद बहुत ईजी था। तो इसी के साथ अपने न्यूमेरिकल पार्ट भी हो जाते हैं, अगर कुछ डिफिकल्टी रहती है तो फिर वी विल क्लियर इट। ओके चलो।